पे ज्यादा फोकस, मेरा नाम जानना चाहेंगे। हेलो, मेरा नाम विकास है, विकास तिवारी। आपका? मेरा नाम प्राची भोरा है। क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग से रिलेटेड, क्या है इस सॉन्ग में, कहाँ कहाँ शूट हुआ है, किस तरह का म्यूजिक है? म्यूजिक सूफी सॉन्ग टाइप है एंड थोड़ा सा सूफी है आपको। हाँ। मतलब इसमें दोनों वेरिएशंस आपको मिलेंगे और इसमें मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते, हल्का फुल्का इसमें फोक टच भी आपको मिलेगा। हाँ। ये परिवेश सिंह जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया है और काफ़ी मेहनत की है इस गाने के पीछे, और इस गाने को हमने राजस्थान में शूट किया है। राजस्थान में जगह है, राजस्थान की तपती गर्मी में, तपती गर्मियों में इसे शूट किया है। सरदार शहर में शूट किया था हमने। हाँ, ये गाना सरदार शहर, और काफ़ी तपती गर्मी में किया था ये गाना। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। सिंगर कौन है? सिंगर है इसमें, सिंगर है रविंदर मल्ला, और इसमें कॉस्ट्यूम क्या है अमिता दीक्षित ने, और स्टाइलिंग में अमिता दीक्षित और मनीषा मलिक दोनों है, और सिद्धार्थ ने इसको एडिट किया और VFX किया है। इसमें काफ़ी मेहनत की गई है, मतलब पूरे टीम ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत की है। जो हमारे डायरेक्टर हैं महेश, और जिन्होंने मतलब DOP भी हैं वो इस गाने के, तो उन्होंने भी मतलब हम सब ने इस तपती गर्मी में काफ़ी मेहनत की थी उस दौरान, और उम्मीद करते हैं गाना आपको अच्छा लगेगा। प्राची, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, कैसे सफ़र शुरू किया ये पहला एल्बम? नहीं, ये मेरा सेकेंड एल्बम है। मैं एक्चुअली उत्तराखंड से हूँ और मुझे 3 साल हो गया इंडस्ट्री में आए हुए। कॉलेज के बाद में सीधा इंडस्ट्री में मैंने पैर रखा था और काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। काफ़ी काम भी किया हुआ है पहले भी इनका, परिवेश सिंह जी का मैंने पहले भी एक एल्बम किया हुआ है, और अब ये दूसरा एल्बम है, और सीरियल्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह काफ़ी काम किया हुआ है। मैं 5 साल से हूँ इंडस्ट्री में। मैंने पहले प्रदीप सरकार जी के साथ भी काम किया हुआ है। मैंने हमारा मूवीज़ के लिए एक ऐड किया था, यू ड्राइव ऐप है एक उनका, उसके लिए मैंने पहले किया हुआ है। और थिएटर में सैफ हैदर हसन के साथ कर रहा हूँ, काफ़ी समय से कर रहा हूँ मैं उनके साथ, और काफ़ी अच्छे लोग मतलब NSD से भी जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे सतीश कौशिक जी हैं और मेघना मलिक जी हैं और शिखर सुमन, दीप्ति नवल, आरिफ जकारिया, इन लोगों के साथ मतलब थिएटर किया है मैंने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अभी तक सीख ही रहा हूँ मैं। जब तक हो सकेगा तब तक सीखेंगे, मेहनत कर ही रहे हैं। रिलीजिंग की बात करें तो कब है रिलीज़? और रिलीज़ है ये 19 अप्रैल को ये रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि कल रिलीज़ होगा, 3 बजे। 3 बजे जी म्यूज़िक पर रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ कर रहा है, और हम होप कर रहे हैं कि आपको ये गाना काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप देखिए इसे खूब शेयर कीजिए और अपने रिव्यू ज़रूर बताइए। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ काम करने वाले हैं इसके अलावा? हाँ, प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक बार वो शुरू हो जाए तो अपने आप आपको भी पता ही चल जाएगा। अभी से उसको डिस्क्लोज करें क्या करें, तो जब एक बार आ जाए वो तो फिर देखते हैं, लेकिन हाँ बातचीत चल रही है। प्रियंका चोपड़ा कंगना मेरी रोल मॉडल है। वजह ये है कि वो भी काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं इंडस्ट्री में, और कंगना तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है पहले से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रैंक है और बहुत कुछ भी बोल देती है, तो मुझे अच्छी लगती है, फनी अच्छी है, मतलब सब बहुत अच्छी है। अभी आप बताएं आपके फेवरेट एक्टर्स। फेवरेट एक्टर्स का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं ऋतिक को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं मतलब सोचता हूँ कि अगर करना है तो कुछ उसी तरीके का किया जाए, मतलब मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ उनसे कि हाँ कैसे करना है, मोटिवेटेड बहुत फील करता हूँ मैं जब भी कुछ ऐसा लगता है मेरे को कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो आई जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट गो थ्रू इट, नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग, द वे ही डज थिंग्स विद क्लियरिटी एंड एवरीथिंग, बेसिकली मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ। एज एन एक्टर आई एडमायर हिम अ लॉट, द वे ही डज थिंग्स। अच्छा, म्यूजिक वीडियो में आजकल एक स्टोरी भी कही जाती है, इसमें भी कोई स्टोरी थीम है? जी स्टोरी थीम है ये, एक मतलब काइंड ऑफ आप देखिए ऑनर किलिंग टाइप का आपको लग सकता है, लेकिन हमने काफ़ी कुछ रखा है। स्टोरी आपको समझ में आएगी, आप जब गाना सुनेंगे आप देखेंगे तो वो फ्लो आपको मतलब एंड तक लगेगा कि हाँ दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग।
आपको पता चलेगा वो. थैंक यू. थैंक यू. हाँ परवेज जी, क्या कहना चाहेंगे, इसकी प्लानिंग कैसे बनी है रांझना? रांझना सॉन्ग एक्चुअली नीलकंठ जी का लिखा हुआ है, जो अभी यहाँ पर नहीं, पंजाब में है. तो उन्होंने मुझे ये सॉन्ग दिया कंपोज करने के लिए, और सॉन्ग बनते में ही हम लोगों को लगा कि इसका कुछ बहुत अच्छा वीडियो हम लोग बना सकते हैं. तो हम लोगों ने महेश से बात की, इन्होंने डायरेक्ट किया है, और फिर लोकेशन वगैरह हम लोगों ने राजस्थान, बॉम्बे, कई जगह पे इसको शूट किया. तो आप देखेंगे रिलीज़ हो रहा है जी. ये उससे पहले भी आप काफ़ी कर चुके हैं म्यूज़िक वीडियोज़? जी जी जी, म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, फिल्म्स किए हैं कुछ. अभी पीछे एक 22 डेज करके एक फिल्म आई थी, और जैक एंड दिल अरबाज़ खान और अमित शाह की फिल्म आई थी, वो की थी. म्यूज़िक आपने किया? जी, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक दोनों. ओके. जी, और अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा थिएट्रिकल आया था, देवदास करके प्ले आया था, काफ़ी बड़ा, उसका भी म्यूज़िक किया था. तो काफ़ी सारा किया हुआ है. म्यूज़िक वीडियो हम लोगों ने लास्ट ईयर डाला था माही वे करके, वो भी काफ़ी अच्छा चला था. कुछ कवर वर्जन्स भी किए हैं. तो ये ओरिजिनल है, माही वे भी हमारा ओरिजिनल था, और ये भी ओरिजिनल सॉन्ग है. तो लेट्स सी हाउ इट ग्रोस. सिंगर के बारे में थोड़ा सा बताएं. रविंदर मल्ला सिंगर है, पंजाब का काफ़ी फेमस सिंगर है, फोक सिंगर है वो. तो उनकी आवाज़ हम लोगों ने चूज़ की होगी, उनका टोन जो फोक रहता है सूफी में, फोक का जो टच ही रहता है वो उनकी आवाज़ में हमको मिला. और उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ वहाँ पे इंडियन आइडल वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा ये किया हुआ. वेरी गुड वॉइस. एक्टर्स का हम लोगों ने थोड़ा ऑडिशन वगैरह किया, ये किया, और पहले भी इन लोगों के साथ कुछ काम किया हुआ है. तो महेश आपको बताएंगे एक्चुअली कैसे हम लोगों ने सिलेक्शन किया. ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने डायरेक्ट किया है. जी, ये वीडियो हमने राजस्थान में पूरा शूट किया है, फिर थोड़ा बहुत शूट हमने मुंबई में भी किया है. तो आर्टिस्ट का सिलेक्शन, एक दिन ऑडिशन रखा था, तो ऑडिशन में कुछ मिले नहीं, तो हमारे पास थे पहले से ये दो आर्टिस्ट, प्राची और विकास. तो उनको सर ने और हमने सिलेक्ट करके कंटिन्यू उनके साथ शूट किया, और कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे बनाए यहाँ पे ये सॉन्ग में, जो अमिता जी ने बनाए, अमिता दीक्षित. तो राजस्थान में बहुत धूप होता है ना, तो ज़्यादा ब्राइट कलर चाहिए थे. तो फीमेल के जितने भी कॉस्ट्यूम है प्राची के, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कॉस्ट्यूम बनाए थे. हाँ, वो लोग भी अभी यहाँ पर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग शूट के लिए बाहर गए हुए हैं. उनके अच्छे अच्छे शूट चलते रहते हैं. पोस्टर बहुत शानदार लग रहा है. जी 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 जी. जी जी, आगे हम लोग अभी एक कमर्शियल सॉन्ग बहुत जल्दी शूट करने वाले हैं. तो लेट्स सी इसका रिस्पांस कैसा रहता है. हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि अभी सब कवर ही कवर आ रहे हैं, कवर ही, उसमें कुछ अगर हम ओरिजिनल डाल पाए तो हमारी कोशिश है. देखते हैं काफी सपोर्ट रहा जी म्यूजिक का. पीछे अभी मेरी जैक एंड दिल जो मूवी थी वो जी म्यूजिक से ही हुई थी. तो उनसे हम लोग टच में थे, उनको हम लोगों ने गाना भेजा, सुनाया, हम लोगों ने एक दो मीटिंग्स की, और देखते ही उन लोगों ने गाना हमारा अप्रूव कर दिया. उन्हें ऑडियो वीडियो दोनों काफी पसंद आए. एक्चुअली मेरा इससे पहले मैंने बहुत सारी मराठी मूवीज़ में एज ए डीओपी काम किया है. डायरेक्टर में पहली बार सर के साथ काम कर रहा हूँ ये सॉन्ग. तो मराठी में मेरे कुछ 10-12 प्रोजेक्ट हुए, कुछ अभी एक 12 तारीख को एक फिल्म रिलीज़ हुआ मेरा, अभी इलेक्शन के बाद दूसरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, और अभी ये कल 19 अप्रैल को कल ये रांझना का रिलीज़ हो रहा है. तो मेरा बॉलीवुड में डेब्यू है ये सॉन्ग, मतलब हिंदी बॉलीवुड में पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ. मराठी में मेरा चल रहा था, और कुछ और प्रोजेक्ट्स भी अभी हिंदी में कर रहा हूँ, पाइपलाइन है सब. परवेज जी, क्या कहेंगे प्राची के बारे में, कैसा उनका लुक है और कैसा डांस किया उन्होंने? देखिए, इसमें डांस तो है नहीं, ये सूफी सॉन्ग है. दोनों का ही एक स्टोरी चलता है, जो आप लोगों को कल मालूम चलेगा, जो आपको एक जगह से स्टार्ट होके स्टोरी एंड तक जाता है. पूरा जर्नी है फिल्म, जर्नी है, राइट. तो बाकी दोनों ही एक्टर बहुत अच्छे रहे, बहुत कोऑपरेटिव रहे. हम लोग जब राजस्थान पहुंचे तो हम लोग ऑब्वियसली हम राजस्थान में हम लोग पहली बार शूट कर रहे थे, और हम लोगों को मालूम नहीं था कि हम जहाँ शूट करने गए हैं वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गर्म जगह, और हम गर्मी में वहाँ पहुँच गए चुरू.
40 डिग्री के ऊपर वहाँ पे, तो हम लोगों की तो हालत खराब हो गई थी वहाँ शूट करने में। एक्टर तो बिना चप्पल के थे कुछ कुछ शॉट्स में, सीन्स में। तो उन लोगों ने काफी कोऑपरेट किया, कॉस्ट्यूम्स वगैरह उनके ऊपर काफी हैवी थे ये थे, बट दोनों ने काफी कोऑपरेट किया बहुत अच्छे से। पूरा हम लोगों ने दो तीन दिन राजस्थान में शूट किया, शूट किया राजस्थान में, तो अच्छे से दोनों ने। हमारा मतलब राजस्थान जाने, मतलब गए भी हम कार लेके यहाँ से राजस्थान तक गए थे हम दोनों, तो वो भी जर्नी एक अलग से हमारा जाने का आने का। कॉस्ट्यूम्स अमिता दीक्षित ने कॉस्ट्यूम्स किए और मनीषा मलिक को अमिता ने स्टाइलिंग किया है। दोनों ने, उन लोगों ने भी पूरे टाइम वहाँ ऑन द सेट रह के बहुत मेहनत किया, तो सभी लोगों ने। और स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूंगा सिद्धार्थ का, जिसने एडिट किया, वीएफएक्स किए, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। मतलब एक शूट होने के बाद एडिटर के कंधे पे काफी कुछ होता है, जो टेबल पे जो चीज बनती है, मतलब सॉन्ग होता है या फिल्म होता है, जो हम लोग तो शूट करके लाते हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो वो सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से, उनका काम उसने बहुत अच्छा किया जी, अच्छा एडिट कर दिया। बॉलीवुड में जर्नी अभी मैं कैसे बताऊं, जैसे हर किसी की होती है, सपने लेके बॉम्बे आ जाते हैं, वैसे ही मैं आ गया था कई साल पहले। फिर धीरे धीरे मेहनत करते 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 कुछ छोटे छोटे गाने, फिर थोड़े और बड़े, फिर थोड़े थोड़े करते करते अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। बट मेहनत बहुत है, बस एक ही बात है जितना मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, कि आप अच्छा काम करके दीजिए, टाइम पर काम करके दीजिए, और लोगों को चीट मत करिए, तो धीरे धीरे आप इधर कछुए और खरगोश वाला रेस है, आप कछुए की चाल चलते रहेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, ऐसा है। जी, उसके अलावा भी कई फिल्में की हैं सर, ये पूरा मेरा ही काम है, जितने भी ये लगे हुए हैं सारे, ये मेरा ही किया हुआ है। बालाजी के लिए अभी किया हम लोगों ने, सतीश कौशिक जी के साथ एक प्ले किया था बीच में, शेखर सुमन दीप्ति नवल के साथ काम किया, काफी लोगों के साथ काम, बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने दोनों जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।